तो आज हमारे पास दो महारथियों का भाई कंपैरिजन फाइनली आ चुका है। एक तरफ हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा जो कि बिल्कुल अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, और एक तरफ हमारे पास फोनों का बादशाह जो कि आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो आज इन दोनों फोनों को भिड़ाने वाले हैं और देखते हैं भाई आप लोग अगर अपना पैसा खर्चने का जा रहे हो दो पेटी तो भाई कौन सा लिया जाए इन दोनों में से, क्योंकि भाई काफी ज्यादा घमासान युद्ध हो गया इनके बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोग पहली बार चैनल को बना रहे हो तो भाई प्लीज ऐसे बरसा दिया करो ना, ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं यार, भाई को सपोर्ट करते रहा करो ताकि हम आपके लिए ऐसे तगड़े तगड़े मस्त मस्त कंपैरिजन लाते रहे। So, ये रहे भाई हमारे दोनों ही फोन S24 अल्ट्रा और आईफोन 15 प्रो मैक्स। अगर बात करें भाई प्राइसिंग की, यहाँ पे ये वाला जो वेरिएंट है S24 अल्ट्रा का, ये 512 GB वाला वेरिएंट है जिसमें हमको 12 GB की रैम देखने को मिल जाती है। और वहीं पे हमारे पास ये वाला जो वेरिएंट है आईफोन 15 प्रो मैक्स का, ये भी 512 GB वाला आता है लेकिन इसमें हमारे सिर्फ 8 GB रैम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स अभी भी आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, अराउंड 1,80,000 रुपए का आता है ये 512 GB वाला वेरिएंट। और वहीं पे हमारे को ये जो फोन है S24 अल्ट्रा ये आपको सस्ता मिल जाता है, अराउंड 1,25,000-1,30,000 में मिल जाएगा, बिकॉज पे हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं इस टाइम पर। और ये सैमसंग की बहुत चीज है कि ये फोन लॉन्च महंगे में होते हैं लेकिन इनके ऊपर ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स अच्छे होते हैं, तो सैमसंग आपको ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे कौन सा फोन कहाँ पर भाई स्टैंड करता है और कहाँ पे उसकी ज्यादा अच्छाइयां हैं और कहाँ पे किस फोन की क्या बुराइयां हैं। यहाँ पे प्राइसिंग के मामले में अगर देखो ना, स्ट्रेट विनर मेरे को S24 अल्ट्रा लगता है और सैमसंग हमेशा से भाई विनर रहा है इस मामले के अंदर, ये आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन देते हैं, ठीक है। वहीं पे आईफोन यार मेरे को ना कुछ ज्यादा ही महंगा लगता है, अगर आप इसको डिस्काउंट भी लेने जाओगे तो 6,000 रुपए से ज्यादा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, या तो फिर आपको बाहर से लेकर आना पड़ेगा। बट हाँ, एक एडवांटेज एप्पल के अंदर ये रहती है कि अगर आप बाहर से कोई एप्पल का फोन लेकर आते हो आपको सस्ता ही पड़ता है और साथ साथ वारंटी भी इंडिया में मिल जाती है। सैमसंग अगर आप बाहर से खरीदोगे तो भाई आपको उसकी वारंटी इंडिया में नहीं मिलेगी, तो ये थोड़ा सा फर्क है जो आपको पता रहना चाहिए। लेकिन अब बात करें भाई और चीजों की, जैसे कि सबसे पहली चीज आती है वो है बिल्ड क्वालिटी। आहा भाई, इस बार भाई सैमसंग और आईफोन दोनों ने भाई काफी ज्यादा तगड़ा मटेरियल यूज कर लिया। पहले आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर हमारे को टाइटेनियम देखने को मिला था, मेरे पास यहाँ पे इसका टाइटेनियम व्हाइट कलर है एंड ये जो बॉडी है भाई टाइटेनियम ग्रेड 5 इसमें यूज करा गया बेसिकली, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब फील जो है बहुत अच्छी लगती है, ब्रश वाली फील है, बहुत ही अलग सा फील लगता है और ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल मेटल है, ठीक है। टाइटेनियम भाई स्पेस क्राफ्ट में भी यूज करा जाता है। वहीं पर अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अंदर, पिछले बार या फिर पहले फोन में नॉर्मल एल्युमिनियम यूज होता था, बट इस बार सैमसंग ने अपग्रेड कर दिया, टाइटेनियम फाइनल लगा दिया और ये कलर का नाम भी टाइटेनियम ग्रे है, ठीक है। इसमें आपको ना काफी ज्यादा मिलता जुलता लगता है जो एक्चुअल टाइटेनियम कलर होता है ना, और टाइटेनियम की एक टेंडेंसी होती है ये ना जब हीट होते हैं तो अपना कलर चेंज करते हैं। तो ना गाड़ियां देखी होंगी आपने, जो स्पोर्ट्स कार होती है, स्पोर्ट्स बाइक होती है, उनका जो हेडर होता है, उनके एग्जॉस्ट होते हैं टाइटेनियम के बने होते हैं, और हम देखो उनके ना कलर्स भी चेंज होते रहते हैं जब वो गर्म होते चले जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी चीज है, बट इनमें तो वो कलर चेंजिंग होगी नहीं बस ऑब्वियसली, बिकॉज उतना गर्म ये नहीं होंगे, वो तो बहुत ज्यादा गर्म है, बिल्कुल जलने वाले कैटेगरी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वही सेम देखने को मिलता है। तो मैं बोलूंगा जो इन हैंड फील है भाई दोनों फोनों की काफी ज्यादा अच्छी है, बट यहाँ पे एक फर्क आता है ये कि ना आपको सैमसंग थोड़ा बड़ा लगेगा क्योंकि इसका ना ओवरऑल जो बिल्ट है वो थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ पे ये ज्यादा ना आपको चकोर भी मिलता है। वहीं पे आईफोन थोड़ा सा राउंडेड है फ्रॉम दी कॉर्नर्स, यहाँ से देखो आपको कॉर्नर से देखो, देख लो ये राउंडेड है यहाँ पे और ये यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेट है। तो अगर आप देखोगे ना तो आईफोन ना होल्ड करने में जब आप ऐसे पकड़ते हो तो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, वहीं पे जब सैमसंग हम लोग होल्ड करते हैं तो नहीं, थोड़ा सा ऐसे हाथ में लगता है, लेकिन इसका फील पता है क्या कि आपको ना इधर ज्यादा बेटर स्पेस मिल जाता है, जब आप लोग कुछ टाइप वाइप करो तो आपको पता चलेगा आप एक नोट पैड पर टाइप करो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हमारे को भाई फोन में एस पेन मिल जाता है, ये इसका मेजर फैक्टर है। आप काफी लोग भाई ट्विटर में देख रहे थे, बोल रहे थे भाई हम लोग एस पेन यूज नहीं करते, हम लोग ये नहीं करते, मैंने देखो भाई काफी ज्यादा यूज करा है एस पेन को, बिकॉज मेरे को साइन करने होते डॉक्यूमेंट्स कुछ करना होता है और भाई मेरे पास हर समय लैपटॉप नहीं है, मेरे पास साइन वहाँ पे लाइक डॉक्स में नहीं जा सकता, तो भाई ये मैं एस पेन निकालता हूँ, मेरे को डॉक्यूमेंट एक दिन से साइन करके मैं दे सकता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, ये बहुत एक अच्छी चीज है, मैं क्विक नोट्स ले सकता हूँ। और हम मैंने नोटिस करा है जब हम कुछ चीज लिखते हैं ना तो हमारे दिमाग में कुछ ज्यादा बेटर तरीके से रह जाती है, तो इस वजह से मेरे को एस पेन तो काफी ज्यादा पसंद है। ये मैं नोट 20 अल्ट्रा, नोट 7, नोट 5 सबसे देखता आ रहा हूँ, मेरे को तो भाई बढ़िया लगे, नोट 1 से भाई जब से आया ना एस पेन बढ़िया ही लगता है और हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड होते रहते हैं, बढ़िया चलता है। अब जैसे हमारे सैमसंग के अंदर हमारे को एस पेन वाला फीचर मिलता है, वहीं पे आईफोन के अंदर हमारे को एक कस्टमाइजेबल बटन देखने को मिलता है साइड के अंदर, एक्शन बटन जिसे ये कहते हैं, आप लोग इसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आप फ्लैश लाइट जलाना चाहते हो, वाइब्रेट पे रखना चाहते हो, कैमरा ओपन करना चाहते हो, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट मैं सच बताऊं मेरा इतना यूज नहीं है, मैं सच में इसको अभी भी उसी रूप से यूज करता हूं जो कि है नॉर्मल वाइब्रेट और साइलेंट में फोन को डालने के लिए। तो ये एक चीज है जो मुझे लगी आप लोगों को बतानी, थोड़ा सा कंपैरिजन में डिफरेंस आता है। बाकी अगर देखो वेट वाइज अगर देखो ना दोनों ही लगभग सिमिलर है, बिल्कुल ऐसे देखो मैं तराजू से तोल के नहीं बताऊंगा, जो इन हैंड फील है मैं आपको वो समझा रहा हूं कि ना काफी सिमिलर से लगते हैं, दोनों का वेट लगभग सिमिलर सही है, हल्का सा आपको S24 अल्ट्रा भारी लग सकता है बिकॉज वो बड़ा भी है, और ये इतना बड़ा फर्क इसलिए भी नहीं क्योंकि S24 अल्ट्रा सिर्फ 11 ग्राम भारी है भाई, वो कुछ ज्यादा बड़ा आपको फर्क पता नहीं चलेगा। लेकिन वहीं पे अगर बात आती है भाई सामने की तरफ में डिस्प्ले के मामले में, भाई वहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में आपको थोड़ा सा फर्क देखने मिलता है, बिकॉज S24 अल्ट्रा के अंदर आपको 6.8 इंच का पैनल देखने मिलता है, वहीं पे हमारे आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर हमारे 6.7 इंच का पैनल मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड तो ना जो सैमसंग का पैनल है अपना फ्लैट हो गया, पहले ये कर्व आता था बट अब फ्लैट हो गया, वहीं पे आईफोन तो आपको पता है ऑब्वियसली भाई फ्लैट ही दे रहे हैं इतने टाइम से, ठीक है। दोनों ही पैनल जो LTPO सपोर्ट करते हैं पहली बात तो, और
अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जो रेजोल्यूशन है उसमें फर्क आता है। इवन दो जो आईफोन है उसका रेजोल्यूशन 1080p से थोड़ा ज्यादा होता है, हमेशा से रहा है 1080p से ज्यादा, बट यहाँ पे आपको सैमसंग एक ट्रू 2K डिस्प्ले दे रहा है, मतलब 2K वाली डिस्प्ले है जो कि फुल एचडी प्लस से ज्यादा रेजोल्यूशन वाली होती है बेसिकली, आप ये मान लो, और 2K ज्यादा बेटर है। यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं रेजोल्यूशन डेफिनेटली आपको फर्क पता चलेगा। और साथ ही में इस बार सैमसंग के अंदर एक और भाई अलग चीज डाल दी, वो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। ठीक है भाई, ये बहुत बढ़िया है क्योंकि जब इसे हमने दूसरे फोन से कंपेयर करता है बहुत ज्यादा कट कर देता है भाई फालतू की लाइट्स को, और उससे आपकी जो व्यूइंग एंगल्स है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन की अगर बात करूं तो हमारे सैमसंग के अंदर नई प्रोटेक्शन यूज करी है जो कि कॉर्निंग गोरिल्लास आर्मर की है, और वहीं पे आईफोन के अंदर हमारे को सेरेमिक शील्ड मिलती है। अब यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्लास आर्मर बोला जा रहा है कि ज्यादा बेटर है सेरेमिक के मामले में, बट देखो ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पर चलेगा। और एक और चीज है कि हम लोग भाई देखो स्किन प्रोटेक्टर तो अप्लाई कर लेते हैं, स्क्रैचेस का देखो इतना कुछ दिक्कत होती नहीं क्योंकि महंगे फोन है दोनों ही। और अगर बात करें भाई ड्रॉप प्रोटेक्शन की, ड्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर भाई देखो ग्लास ही ग्लास है, टूट सकता है दोनों में से, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा भाई एक का बहुत ज्यादा वो है, बट आपको भाई संभाल के रखना है। बट मैं बता रहा हूं यहां पे कंपैरिजन ही है, और मैं इतना पागल नहीं हूं मैं फोन गिरा के देखूं, बिकॉज़ भाई बहुत मेहनत से खरीदे जाते हैं, और आप भी भाई कोशिश करना कि अपने फोनों को संभाल के रखो जितना हो सके, बिकॉज बहुत मेहनत से खरीदते हो आप लोग भी। अब एक चीज यहां पे हमने बहुत ज्यादा नोटिस करी वो ये था कि जो ना आईफोन है उसमें आपको 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है जो कि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आप आउटडोर के अंदर इजिली विजिबल कर सकते हो इस डिस्प्ले को, कोई दिक्कत नहीं आती। वहीं पर जब मैंने भाई इस सैमसंग को देखा, और बेसिकली जब सैमसंग लॉन्च हुआ उसके अंदर हमको मिल रही है 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस, यहाँ पे 600 निट्स का जो फर्क आ रहा है वो आपको एक्चुअली लगेगा जब लोग डायरेक्ट सनलाइट में दोनों ही फोनों को देखते हो। और साथ ही में जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है वो ज्यादा बेटर बना देती है आपकी S24 अल्ट्रा की डिस्प्ले को, ज्यादा अच्छी लगती है और बेहतर लगती है। बट एक चीज मैंने नोटिस करी सैमसंग डिस्प्ले से वो ये था कि ना ये ना थोड़ी कम सैचुरेटेड लगने लगी है मुझे पहले, मतलब अभी कंपैरिजन में तो कम नहीं लग रही, बट पहले के सैमसंग फोन से कंपेयर करो थोड़ी कम सैचुरेटेड लग रही है, और वो शायद नई डिस्प्ले ट्विनिंग की वजह से या फिर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की वजह से हो सकता है। और जब भाई कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो भाई मैंने दोनों फोनों को जब साइड बाय साइड देखा तो ऑब्वियसली हमारे को 0.1 इंचेस का फर्क आता है S24 अल्ट्रा की डिस्प्ले बढ़िया, और ओवरऑल जो मेरे को ना कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी है वो HDR जो कैपेबिलिटीज है वो सब वो मेरे को S24 अल्ट्रा के अंदर ज्यादा बेहतर लगी, और कंपैरिजन के अंदर मेरे को मजेदार लगी भाई इसकी डिस्प्ले, नो डाउट आपको मजा आ जाएगा। अब देखो आप लोगों के सामने एक और टेस्ट करना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि भाई देखो स्पीकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये दोनों ही एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो यहाँ पे भाई स्पीकर क्वालिटी बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। तो चेक करते हैं दोनों ही फोनों के अंदर सेम म्यूजिक प्ले करेंगे यूट्यूब म्यूजिक के अंदर ही, तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आएगा आपको, शायद इससे फर्क पता चल जाए, बट मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल सिमिलर ही रखूं सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं ना सेम गाना चला देता हूँ, कोई जैसे मान लो ये चला देते हैं लैम्बो फ्लो टाइप, फुल है भाई दोनों सेम टाइम पर चल रहे हैं, ये आईफोन से प्ले हो रहा है एंड अब S24 अल्ट्रा। तो यहाँ पे भाई आईफोन के स्पीकर मुझे स्लाइटली बेटर लगे सैमसंग के आगे, हल्का सा ही फर्क है लेकिन जब साइड बाय साइड करें जब फर्क पता चल रहा है, लेकिन जब मैं नॉर्मली सुनूंगा तो भाई मेरे को दोनों ही सिमिलर से लगेंगे, मैं सच बता रहा हूँ। अगर एक फोन मैंने हाथ में रखा और मैं सुने जा रहा हूँ तो मेरे को दोनों के बड़े लगेंगे क्योंकि दोनों के स्पीकर वन ऑफ द बेस्ट है, बट कंपेयर करें तो हल्का सा मुझे आईफोन में डेप्थ ज्यादा लगी और कुछ इतना फर्क नहीं लगा। तो ये था स्पीकर का सेटअप। एक और चीज आती हुआ भाई वाइब्रेशन हैप्टिक्स बेसिकली हमारे फोन के अंदर, यहाँ पे आईफोन के हमारे टैप्टिक इंजन देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छी हमारे को लाइक वाइब्रेशन देते हैं, और हम लोग देखते आ रहे हैं कि अच्छी रहती है। सैमसंग की भाई वन ऑफ द बेस्ट रहती है। अगर मैं S24 अल्ट्रा की बात करूं तो भाई इसके अंदर भी इस बार काफी अच्छी वाइब्रेशन मोटर लगा रखी है, एंड मेरे को दोनों ही मोटर से कोई भी फीडबैक की कमी नहीं लगी, काफी मस्त फीडबैक देते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई यहां पर होगा ना असली युद्ध, क्योंकि एक तरफ है सैमसंग के अंदर मेड फॉर गैलेक्सी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर, और वहीं पे दूसरी तरफ है एप्पल की जो चैनल है A17 Pro जो कि एप्पल का पहला प्रो चिपसेट था। तो यहां पे अगर कंपेयर करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन को तो भाई शॉकिंग रिजल्ट्स आ रहे थे, मुझे लग रहा था भाई एप्पल A17 Pro काफी ज्यादा आगे निकल जाएगा और ये हो जाएगा वो जाएगा, बट नहीं भाई सैमसंग ने बोला रुक जाओ भाई थम जाओ हम आ चुके हैं आगे। तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मेड फॉर गैलेक्सी यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा पावरफुल निकल रहा है, यहाँ पे आपको 12 GB रैम देखने मिलती है, यहाँ पे 8 GB रैम देखने मिलती है, इधर आपको NVMe बेस्ड स्टोरेज देखने मिल जाती है, और इधर आपको UFS 4.0 स्टोरेज देखने मिलती है, और अगर स्टोरेज स्पीड देखें तो लगभग सिमिलर से, यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं लगा। एंड आप लोग देख सकते हो Antutu के अंदर भाई कितना ज्यादा फर्क आ रहा है, अराउंड 18-19 लाख हमारा S24 अल्ट्रा का स्कोर, और वहीं पे इधर देख सकते हो आप 15 लाख स्कोर है हमारे आईफोन का, मतलब ज्यादा पीछे नहीं है, बट फिर भी यार S24 अल्ट्रा यहाँ पे काफी ज्यादा आगे निकल रहा है उसके मुकाबले में, तो यहाँ पे क्लियर विनर परफॉर्मेंस के मामले मेरे को S24 अल्ट्रा लगता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में एक और चीज हमने टेस्ट करने की कोशिश करी कि हमने ना दोनों में सेम वीडियो रेंडर करने का सोचा है, और ना दोनों ही सेम वीडियो रिकॉर्ड करी मैंने दोनों ही फोनों से, मतलब दोनों फोनों की साइड बाय साइड मैंने वीडियो रिकॉर्ड करती 4K 60fps में, और दोनों ही वीडियोस को मैं रेंडर करने जा रहा हूं VN वीडियो एडिटर से, एंड दोनों ही सिमिलर सेटिंग मैंने कर दी जैसे आप लोग देख सकते हो। अब देखते हैं इसके अंदर कौन सबसे पहले हमारे को रेंडर करके वीडियो देता है। 3, 2, 1, हमने स्टार्ट कर दिया है, एंड भाई सैमसंग भाई काफी तेज है, सीरियसली भाई सैमसंग आप देखते हो बहुत ज्यादा तेज है भाई, एंड यहाँ पे ये 12% पे ये 24% पहुंच भी गया, सैमसंग भाई काफी ज्यादा तेज है आप लोगों यहाँ पे पता चल रहा होगा। एंड यहाँ पे भाई सैमसंग ने डन भी कर दिया, और यहाँ पे आईफोन भाई 50 भी नहीं हो पाया भाई साहब, यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो सैमसंग की कितनी ज्यादा तगड़ी निकल कर आई है भाई, सैमसंग सच में क्लियर विनर बन गया परफॉर्मेंस के अंदर। तो
अब आती है बात भाई कैमरास की, क्योंकि यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है भाई, कैमरा किसके अच्छे हैं, सैमसंग के अच्छे हैं, आईफोन के अच्छे, जरा चेक करते हैं। चलो यार इसके लिए थोड़ा सा हमारे को सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी और बाहर जाना पड़ेगा। सो गाइस हम लोग आ चुके थे बाहर भाई दोनों फोनों का कैमरा टेस्ट करने के लिए, और अब भाई इनका घमासान यूज होगा कि भाई कैमरा किसके साथ तगड़े हैं। चलो यार जल्दी से टेस्ट करते हैं। दोनों फोनों के कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे भाई आईफोन के अंदर आपको डिफरेंट कैमरा सेटअप मिलता है। इस बार इसके अंदर आपको 48 MP का मेन कैमरा मिल जाता है, 12 MP आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है और 12 MP का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है। सर अब बात करेंगे सैमसंग S24 अल्ट्रा के कैमरास की, तो इसमें आपको ना 200 MP का मेन कैमरा देखने मिल जाता है, 50 MP आपको इसमें पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है जो कि 5x वाला हो गया, और साथ ही में इसमें आपको 12 MP का टेलीफोटो और मिलता है और 10 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है। अब यार मैं दोनों ही फोनों को साइड बाय साइड जब मैंने देखा भाई, मेरे को ये पता चल गया भाई कुछ कुछ सिनेरियोस के अंदर सैमसंग बेटर और कुछ कुछ आईफोन बेटर है, बट यार ह्यूमन स्किन टोन्स के अंदर सैमसंग भाई काफी ज्यादा आगे निकल रहा है और ये मैंने चीज नोटिस करी है। सच बता रहा हूं सैमसंग बहुत क्रेजी काम कर रहा है। सो गाइस अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, दोनों ही फोनों से आप लोग देख सकते हो साइड बाय साइड किस तरीके की, दोनों में 4K 60 FPS रिकॉर्ड हो रही है कैमरा अल्ट्रा वाइड में। अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल चलता हूं, ठीक है आप लोगों को मिल जाएगा स्टेबलाइजेशन और तेज बोलूंगा भागने के लिए। अब बजट में थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा भाई किस तरीके की स्टेबलाइजेशन आती किस फोन से। सो भाई कैमरा टेस्ट करके तो हम लोग अंदर आ गए ना, आपने रिजल्ट देखे काफी ज्यादा मेसमराइजिंग और बहुत ज्यादा अलग से थे, बट इस बार कंपैरिजन बहुत तगड़ा हुआ और सैमसंग और आईफोन बहुत हेड टू हेड टक्कर दिए पूरी पूरी। अब यहाँ पे दोनों ही फोनों के अंदर ना सिक्योरिटी के मामले में बात करें तो ना एक तरफ हमारे फेस आईडी देखने मिलती है, एक तरफ हमारे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलता है जो कि अल्ट्रासोनिक वाला है। अब यहाँ पे सैमसंग अल्ट्रासोनिक काफी ज्यादा रिलायबल है और साथ ही साथ आईफोन की फेस आईडी भी काफी रिलायबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, मेरे को कभी भी टेंशन नहीं हुई है। सैमसंग भी मस्त काम करता है और फेस आईडी भी तगड़ी काम करती है। वहीं भी बात करें अब सॉफ्टवेयर की, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर फर्क आने वाला है क्योंकि दोनों फोन के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहा है। एक तरफ है एंड्रॉइड 14 हमारा UI 6.1 पे बेस्ड और वहीं पे हमारा एप्पल के अंदर चल रहा है iOS 17। तो यहाँ पे एक iOS और एंड्रॉइड का जो एक कह सकते हो आप कोर रिलेशन है ना काफी अलग से है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही भिड़ते रहते हैं हमेशा से। बट मेरे को ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड की दुनिया में अगर मैं टॉप स्क्रीन या फिर टॉप सॉफ्टवेयर मानूं किस कंपनी की तरफ से आ रहा है तो मैं बोलूंगा सैमसंग जैसे UI 6.1 है, क्योंकि ये बेस्ट आपको कस्टमाइजेशन के साथ बेस्ट चीजें दे रहे हैं और बेस्ट फीचर्स दे रहे हैं। अगर आईफोन की बात देखें तो आईफोन यार कोई स्टैटिक चीज आपको दे रहा है, थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन देता है सर, बट जो मेजर चीजें हैं वो भाई सैमसंग के अंदर आपको बढ़िया मिल जाती है। और साथ ही साथ आपको इस बार सैमसंग ने 7 साल के मेजर अपडेट दे दिए, तो यूजुअली आईफोन के अंदर आपको 7 साल के ना ऐसे सपोर्ट मिलता है जो ऑफिशियली बोला जाता है, वैसे तो ये और बढ़ा देते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर और पावर, बट यहाँ पे सैमसंग ने ऑफिशियली बोल दिया कि आपको 7 साल के अपडेट्स देंगे, मतलब 7 साल की सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा इस S24 अल्ट्रा सीरीज के अंदर, जो कि भाई आईफोन से अब डायरेक्टली कंपेरेबल, और मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये ऐसा एंड्रॉइड बन गया है जिससे कि इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी ज्यादा तगड़ी होल्ड होगी। बाकी देखो ये सब्जेक्टिव टॉपिक है कि भाई आपको कौन सा सॉफ्टवेयर किधर पसंद आता है, मैं बोलूंगा पर्सनली मैं दोनों ही फोन यूज करता हूँ साइड बाय साइड, मुझे तो दोनों से ही प्यार है, बट मैं अगर बोलूँ ना क्लियर विनर मेरे दिमाग में तो यार अब थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाता है, पहले तो मैं अगर बोल देता था बट अब मुझे नहीं समझ आता क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा कंपेरेबल है। बट फिर मैं बोलूंगा आप लोग बताओ आपको कौन से दोनों में सॉफ्टवेयर पसंद है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाली जो बात है ना इसमें मैं नहीं बोल सकता, मुझे पता है दोनों साइड से गाली पड़ेगी। अब सैमसंग से ना मेरा थोड़ा ज्यादा और रिलेशन इसलिए क्योंकि सैमसंग के अंदर आता है इन बड़े फोन में या ज्यादा फोनों के अंदर सैमसंग पे का सपोर्ट, और भाई ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, अगर मैं नीचे स्वाइप करता हूं आप देखते हो मेरा कार्ड खुल जाता है यहां पे एंड डायरेक्टली मैं टैप करके भाई कहीं पर पेट्रोल डला रहा हूं, कहीं पर कुछ सामान खरीदा हूं, भाई अगर मैंने अपना कैरी नहीं कर रहा कार्ड तो मैं इसके फोन के थ्रू डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूं, चाहे वो रुपए वाला ना हो, मुझे पता है लोग बोलोगे यूपीआई से तो रुपए वाला कनेक्ट हो जाता नहीं, मैं नॉर्मल वीजा मास्टर कोई भी कनेक्ट कर सकता हूं और मैं डायरेक्टली इससे पे कर सकता हूं, मेरे को कोई पिन डालने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये बहुत सही फीचर लगता है जो कि एप्पल के अंदर मौजूद नहीं है, एप्पल पे बेसिकली इंडिया में अभी है नहीं। अब देखो सैमसंग के सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैं बात कर रहा था तो मेरे को थोड़ा सा इसकी तरफ इसलिए भी प्यारा लगे क्योंकि ना इस बार सैमसंग ने इसमें AI बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करा है, गैलेक्सी AI इज हियर जैसे आपको पता टैगलाइन, यहाँ पे आपको काफी सारी चीज मिल जाती है, जैसे कि अगर आप लोग सर्कल टू सर्च करते हो, मान लो जैसे मैंने कोई ये चीज खोली एंड मैं यहाँ पे अगर उसको टैप एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको सर्कल करके ये चेक कर सकता हूँ ये चीज क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो सेम टू सेम हमारी फोटो रेप्लिकेट होगी गूगल से, ये वाला मैं वॉलपेपर डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीजें जो आपको चाहिए वॉलपेपर चीज आप लोग सर्कल करवाए वो चीज आपको मिल जाएगी, या किसी चीज के बारे में आपको सर्च करना है, तो जैसे कि ये मेरी एक फोटो है ठीक है, इसके ऊपर ना मैंने जो ग्लासेस पहन रखे हैं मेरे को पता नहीं भाई कौन से हैं, तो मैं ना स्टैप एंड होल्ड करता हूँ यहाँ पे ठीक है, और ये जो ग्लासेस है मैं इनके ऊपर ऐसे गोला बनाता हूँ, ये देखो गोला बनाया एंड भाई लिटरली वो ग्लासेस आ गए जो मेरे पास ये हैं अभी मैंने पहन रखे, तो आप लोग भी यहाँ से डायरेक्टली परचेज करते हैं, कि ये देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं ना मेरे जैसे ही, तो भाई ये आप लोग डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें इसमें एड ऑन कर दी हैं जिससे फोन बेटर बन जाता है, जैसे अगर आप किसी से कॉल पे बात करो तो आपको इसके अंदर लाइव ट्रांसलेट वाला फीचर मिल जाता है, बहुत सी चीजें, और साथ ही में इसमें आपको AI के थ्रू रीइमेजिनेशन का सपोर्ट मिलता है जो कि AI जनरेटिव AI इसमें यूज करा गया है, जैसे कि एक ग्रुप फोटो और इसमें से ना मेरे को कुछ चीजें हटानी तो मैं एडिट पे जाऊंगा ठीक है एंड मैं इधर जाऊंगा, अब यहाँ पे जनरेट क्या है ना टैप एंड एनीथिंग यू वांट टू मूव और डिलीट, तो यहाँ पे मैं ना भाई इसको मूव कर सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये मैं पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये देखो मैं उठा के यहाँ साइड में रख सकता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ रख दिया एंड अगर मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो अब देखना ये सारी यहाँ पे फिल हो जाएगी और ये बंदा यहाँ पे आ जाएगा।
जैसे कि आपने देखा भाई कितना ज्यादा तड़ा कर दिया, यहाँ पे पूरा बंदा एक खड़ा था वो गायब हो चुका और वो नीचे आ चुका है। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन थोड़ा खराब करा था, बट आप देख सकते हो ये इस तरीके से आप लोग फोटो को पूरा पूरा मैनिपुलेट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। तो इस मामले में यहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो विजेता है वो सैमसंग S24 अल्ट्रा बन जाता है। जो नए फीचर्स डाले, जो नई चीजें करनी है वो है। यहाँ पे आईफोन भी 5 पीसी नहीं, ऑब्वियसली iOS बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे कुछ जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं आपको वो नहीं मिलते इसके अंदर AI वाले खास करके। और आईफोन की कस्टमाइजेशन आपको पता है भाई थोड़ी सी लिमिटेड ही रहती है, वहीं पे एंड्रॉइड की दुनिया की कस्टमाइजेशन तो नेक्स्ट लेवल है। अब बात करते हैं लास्टली भाई दोनों फोनों की बैटरी की, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोनों फोनों का। तो यहाँ पे हमारे को सैमसंग के अंदर मिल रही है 5000 mAh की बैटरी, वहीं पे हमारे को आईफोन मिल रही है 4441 mAh की बैटरी। अब अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे S24 अल्ट्रा की बैटरी ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं भाई आईफोन यहाँ पे ज्यादा चल जाता है। लेकिन मैंने ये नोटिस करा कि मेरे दोनों फोन 7 घंटे प्लस का मेरे को SOT दे रहे हैं, जबकि मैं दोनों फोन रेगुलरली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। तो 7 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम मेरे को दोनों फोनों के अंदर मिल रहा है। आप टेंशन मत लेना, बैटरी के मामले में आपको दोनों फोन से कोई निराशा नहीं होगी। और अगर बात करूँ 5G की, तो दोनों फोन के अंदर 5G से चल जाता है। मैंने देखा है जो ज्यादा बेटर कनेक्टिविटी मेरे को सैमसंग में मिलेगी उसमें आपको वाईफाई 7 का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी इसमें स्ट्रॉन्ग है। जब हमने वाईफाई की स्पीड टेस्ट करी दोनों के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पे सैमसंग यहाँ पर भी विजेता निकला और दोनों ही सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, 5G से कनेक्टेड है। तो दोनों के अंदर मेरे को सैमसंग यहाँ पे विजेता निकल के आ रहा है, तो कनेक्टिविटी मेरे को सैमसंग में स्ट्रॉन्ग लगी है। बैटरी की बात तो कर ली, लेकिन भाई कौन से फोन कितनी तेज होंगे ये भी बताता हूँ। तो यहाँ पे सैमसंग 45W का चार्जर सपोर्ट करता है और यहाँ पे हमारा एप्पल जो है 25W का चार्जर सपोर्ट करता है, और दोनों ही फोन के साथ आपको बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा, ये आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा भाई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका पहले का चार्जर तो आप यूज। अगर बात करें अब एक और मेजर चीज की, वो ये कि भाई वायरलेस चार्जिंग कितनी सपोर्ट करते हैं। दोनों फोन 15W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरी गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जिंग पैड मैं आराम से रख सकता हूं, उसके अंदर चार्ज होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले चल रहा होता है उस टाइम पर। और सेकंड अगर बात करें यहां पे वायरलेस पावर शेयरिंग का, तो भाई आपको ऑप्शन मिलता है सैमसंग का। तो अगर आपके एप्पल वाले दोस्त की कोई बैटरी खत्म हो गई, आपके पास सैमसंग है, तो आप लोग उसे वायरलेस पावर शेयर कर सकते हो। बट आपको एक और फीचर मिलता है एप्पल के अंदर, वो है वायर्ड के थ्रू। अगर आपका स्टार है तो आप अपने आईफोन की जो ताकत है या फिर बैटरी है वो दूसरे फोन को दे सकते हो तार के थ्रू वायर टाइप सी। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि दोनों फोन के अंदर आपको टाइप सी सपोर्ट देखने को मिलता है और दोनों ही 3.2 की स्पीड सपोर्ट करते हैं और दोनों के अंदर आपको जनरेशन 2 मिल जाती है, तो स्पीड्स लगभग सिमिलर रहेंगी। यहाँ पे भाई दोनों ही फोनों के अंदर कंपैरिजन की बात करें तो भाई यहाँ पे सैमसंग ने काफी ज्यादा तगड़ा काम किया और सैमसंग कहीं ना कहीं विजेता निकल कर आ रहा है। अगर आप पावर के साथ साथ देखो, परफॉर्मेंस के साथ साथ देखो, बजट के अंदर फोन ज्यादा बेटर आपको वैल्यू फॉर मनी कौन सा लगेगा, वो भाई सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये फोन मुझे बेटर लगा, कैमराज भी इसके बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए, कैमरा बहुत तगड़े हो रहे हैं, रॉ फोटोज क्लिक करो कुछ भी करो, इवन वीडियो भी आपने आपको बताई जैसे काफी ज्यादा मस्त हो गई है। तो ये फोन डेफिनेटली इस बार वर्दी है भाई बाय करने का। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा फोन पसंद आया, इन दोनों में से कौन सा कंपैरिजन और चाहते हो इन दोनों फोन्स के साथ। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।